हिंदुआ संयुक्त ग्रामीण संघर्ष मोर्चा बैनर तले 14 सूत्री मांगों को लेकर बीसीसीएल कुसुंडा क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर बीसीसीएल एवं एसएनआर एसआई वीएसए एसवी आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जीतू पासवान, दिलीप सिंह, मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष अवध सिंह ने बताया कि क्षेत्र के धनसार में नए आउटसोर्सिंग कंपनी की शुरुआत हो रही है। इस आउटसोर्सिंग से स्थानीय प्रभावित ग्रामीणों को झारखंड सरकार के नियम अनुसार 75% स्थानीय लोगों को एवं अन्य मुद्दों पर प्रबंधन जल्द संयुक्त ग्रामीण मोर्चा से आउटसोर्सिंग कंपनी वार्ता करेगी। प्रदूषण एवं तेज ब्लास्टिंग से ग्रामीण काफी प्रभावित है और हमारी 14 सूत्री मांगों पर जल्द ही विचार नहीं किया गया तो संयुक्त ग्रामीण संघर्ष समिति कंपनी का चक्का जाम करने की बात होगी। 14 सूत्री मांग पत्र कुसुंडा एरिया प्रमुख को इस दौरान विनय सिंह, राजू शर्मा, संजय पासवान, अमित सिंह, अमर पासवान, धनजीत सिंह, शैली देवी, कमला देवी, कांति देवी, कारू राम, ललन सिंह, संतोष महतो, संतोष पासवान, रामा पासवान, शिवा पासवान समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। ऑफिस कार्यालय पास विभिन्न मांग को लेकर के आज ग्रामीण संयुक्त मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर महिलाएं और यहाँ के जो भी मजदूर साथी है सभी के साथ में आज उपस्थित होकर के यहाँ ज्ञापन देने का काम करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है और सोर्सिंग कंपनी आती है और यहाँ के स्थानियों को रोजगार देने का काम नहीं करके सिर्फ आला फुसला करके उन लोगों को मन टटोल करके किसी तरह उन लोगों को लालच दे करके और रोजगार नहीं दे करके उन लोगों के साथ गलत काम करती है। हम लोग का आंदोलन लगातार मजदूर के लिए रहेगा कि जब तक अगर कंपनी यहाँ के स्थानियों को रोजगार नहीं देगी तो हम लोग हर तरह का आंदोलन करके कंपनी को जगाने काम करेंगे और रोजगार लेकर रहेंगे। क्या नाम है? महाप्रबंधक एरिया 5 के हम लोग एक डिमांड सौंपने वाले हैं। अनुसार क्षेत्र में इनका आज पेश टी का ओपन माइंड एक कंपनी आई है एसएनआर। हम लोग इस क्षेत्र के तमाम आसपास के ग्रामीण लोग आज संघर्ष ग्रामीण मोर्चा के बैनर तले हम लोग एक विज्ञापन महाप्रबंधक को सौंपेंगे और उम्मीद करेंगे इस क्षेत्र के जो जन समस्या और मौलिक अधिकार है और खास करके इस क्षेत्र में जो आसपास के क्षेत्रों में बेरोजगार है, जो राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा नियम है कि 75% आसपास के क्षेत्रों को रोजगार दिया जाए, किसी तरह का तालाब, पेड़, किसी भी तरह का जो जनहित का नुकसान होता है उसको पहले पुनर्वास किया जाए, उसको पहले सुविधा दिया जाए, ओपन माइंस के चारों तरफ से पहले काटा का या फिर बाउंड्री किया जाए, जो बीसीसीएल एक्ट द्वारा नियम उस नियम को करते हुए यहाँ का माइंस को चलाया जाए और स्थानीय लोगों को रोजगार। कितनी सूत्री मांगे हैं? 15 सूत्री मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आज हम लोग आए हैं। हम लोग आशा करते हैं कि महाप्रबंधक जल्द से जल्द हमारे संयुक्त मोर्चा के बड़े भाई अवध पासवान जी कार्यकारी अध्यक्ष है, दिलीप जी हैं, संतोष जी हैं, महिला मोर्चा के लोग हैं और बहुत सारे रामा जी हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। सब लोग मिलकर आज हम लोग संयुक्त मोर्चा के बैनर से इनको विज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। अगर प्रबंधक या कंपनी प्रबंधक दोनों समय रहते हुए बात नहीं करती है तो हम लोग बंद होकर कंपनी को चक्का जाम करने का काम करेंगे। क्या नाम है? संघर्ष मोर्चा के तहत इकट्ठा हुए हैं, ठीक ना, आउटसोर्सिंग आ रही है, हम लोग बेरोजगार को रोजगार दिया जाए और 14 सूत्री मांग है उसको पूरा करने का काम करें, नहीं तो हम लोग अपना आगे कार्यक्रम करें। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।